हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है वो सारी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया देखने से पहले। एंटमैन ट्रिलॉजी की थर्ड और एमसीयू के फेज 5 की फर्स्ट मूवी द मल्टीवर्स सागा के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगी और ये मूवी ना ही इस फ्रेंचाइजी के सभी मेन कैरेक्टर्स को वापस लेके जाएगी क्वांटम रियल्म में, बट साथ ही इस मल्टीवर्स सागा के सबसे मेन विलन कैंग द कॉन्करर से भी सबसे पहले सामना होगा इसी एंट फैमिली का। और क्योंकि एमसीयू की ये 31st मूवी है और अगर डिज्नी प्लस शोज को मिला ले तो मार्वल स्टूडियोज का 42nd प्रोजेक्ट, तो ऐसे में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया देखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर ऑलरेडी आप एक मार्वल फैन हो तो मूवी से पहले ये आपके लिए एक मस्त रिकैप होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं रिकैप एंटमैन की अब तक की एमसीयू जर्नी का। एमसीयू में एंटमैन की एंट्री किसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से नहीं बल्कि उसकी खुद की मूवी एंटमैन से हुई साल 2015 में। अब साल 2015 तक एमसीयू में 11 मूवीज ऑलरेडी आ चुकी थी लेकिन इनमें से कोई भी एंटमैन फ्रेंचाइजी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अपनी ओरिजिन मूवी एंटमैन में ही इंट्रोड्यूस हुआ ये फनी चोर स्कॉट लैंग। बट उसकी लाइफ पूरी तरह टर्न होगी जब उसने चोरी की हैंक पिम के घर में और उसके हाथ लगा एंटमैन का श्रिंकिंग सूट। अब हैंक पिम और उसकी बेटी होप वैन डाइन के गाइडेंस से वो बन गया एक सुपर हीरो। यहीं पर हमें इंट्रोड्यूस किया गया क्वांटम रियल्म से जो ना ही सिर्फ एमसीयू के फेज 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बट इस करेंटली चल रहे द मल्टीवर्स सागा का मेन प्लॉट उसी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ हमें दिखाई गई स्कॉट की बेटी कैसी लैंग जो पार्ट 3 में खुद एक सुपर हीरो बन के दिखने वाली है, और इसी मूवी का विलन येलो जैकेट जो क्लाइमैक्स में श्रिंक होके चला गया था क्वांटम रियल्म में, वो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया में एक न्यू तरह के क्रिएचर मोडॉक के रूप में दिख रहा है। ऑल्दो इस बारे में और डिटेल्स और मूवी के ट्रेलर ब्रेकडाउन के लिए ये वाला वीडियो कार्ड से बाद में चेकआउट कर लेना। अब एक सुपर हीरो के रूप में एस्टेब्लिश होने के बाद एंटमैन की आगे की जर्नी हमें दिखी 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। ये एमसीयू फेज 3 की वो फर्स्ट मूवी थी जहां स्कॉट लैंग को मौका मिला ना ही सिर्फ बाकी अवेंजर्स के साथ इंटरेक्ट करने का बल्कि कैप्टन अमेरिका की टीम का पार्ट बनने का भी। एंटमैन की इवेंट्स के दौरान स्कॉट लैंग का सामना हुआ था सैम विल्सन के फैल्कन से और उसी ने उसे इनवाइट किया कैप्टन अमेरिका की टीम का पार्ट बनने के लिए ताकि वो फाइट कर पाए टोनी स्टार्क की टीम के अगेंस्ट। अवेंजर्स के बीच हो रही इस बैटल में फर्स्ट टाइम एंटमैन ने अपने श्रिंक होने के अलावा जायंट मैन बनने वाले ट्रांसफॉर्मेशन की पावर्स भी दिखाई। ऑल्दो इस लड़ाई का एंड कुछ अच्छा नहीं हुआ और सिविल वॉर के बाद टोनी और स्टीव अलग हो गए, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा स्कॉट लैंग को भी जो सोकोविया अकॉर्ड्स तोड़ने की वजह से राफ्ट पे कैप्चर हो गया था जिसे बाद में छुड़ाया स्टीव रॉजर्स और नताशा रोमानोफ ने। लेकिन फिर अपनी बेटी के साथ कनेक्टेड रहने के लिए स्कॉट लैंग ने यूएस गवर्नमेंट की टर्म्स मानी और उसे डाल दिया गया हाउस अरेस्ट पे। लेकिन इसी दौरान हुई अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की इवेंट जिसका पार्ट ना ही स्कॉट लैंग ना ही उसकी फ्रेंचाइजी के कोई और मेंबर्स थे, बट इसी यूनिवर्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर देने वाली इवेंट में इन्फिनिटी सागा के मेन विलन थैनोस ने पा लिए सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स और एक स्नैप के थ्रू आधी पॉपुलेशन को डस्ट कर दिया। और अगर ऐसे में आप सोच रहे हैं कि इस दौरान एंटमैन क्या कर रहा था, तो साल 2018 में ही आई एंटमैन एंड द वास्प इस फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी जहां एंटमैन के साथ जोड़ा गया वास्प को। इवन दो एंटमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन से टीज किया गया था वास्प की एंट्री, लेकिन ये मूवी कम्प्लीटली रिवॉल्व करती दिखी वास्प और क्वांटम रियल्म के अराउंड, क्योंकि ना ही सिर्फ यहाँ पर एमसीयू को मिली एक न्यू यंग वास्प होप वैन डाइन के रूप में बल्कि मूवी हमें लेके गई पास्ट की इवेंट में, यानी कि हैंक पिम की वाइफ जैनेट वैन डाइन जो बनी थी फर्स्ट वास्प। वास्प के रूप में जैनेट सब एटॉमिक लेवल पे श्रिंक होके क्वांटम रियल्म में फंस गई थी और 30 साल बाद उसने कॉन्टेक्ट किया स्कॉट लैंग से और होप हैंक और स्कॉट का मिशन बन गया जैनेट को क्वांटम रियल्म से वापस लाना। ऑल्दो उनके रास्ते में अड़चन बनी इस मूवी की विलन घोस्ट जो खुद अपनी प्रॉब्लम से डील कर रही थी और उससे बचते बचाते जैसे तैसे हैंक पिम ने वापस एंट्री की क्वांटम रियल्म में जहां वो मिला 30 साल बाद अपनी वाइफ जैनेट वैन डाइन से जिसे एक क्वांटम शिप के थ्रू वो वापस ला पाया रियल वर्ल्ड में। बट इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन लिंक कर गए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की इवेंट से जब स्कॉट वापस गया क्वांटम रियल्म में क्वांटम एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए। उसी दौरान थैनोस के स्नैप की वजह से हाफ यूनिवर्स के साथ साथ डस्ट हो गए हैंक पिम, जैनेट वैन डाइन और होप वैन डाइन और क्वांटम रियल्म में फंसा रह गया स्कॉट लैंग, जिसकी आगे की कहानी हमें देखने मिली इन्फिनिटी सागा की लास्ट मूवी अवेंजर्स एंडगेम में। अवेंजर्स एंडगेम की स्टार्टिंग में ही बचे हुए अवेंजर्स ने थैनोस को तो मार दिया लेकिन उसके स्टोन्स डिस्ट्रॉय करने की वजह से वो डस्ट हो चुके बाकी लोगों को जिंदा नहीं कर पाए। अब रियल वर्ल्ड में निकल गए थे 5 साल और स्टोरेज रूम में एक चूहे के स्कॉट लैंग की क्वांटम ट्रैवलिंग मशीन पे कुछ बटन प्रेस करने की वजह से क्वांटम रियल्म से बाहर आ गया स्कॉट लैंग, बाय द वे जिसके लिए क्वांटम रियल्म में सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे थे, जिसने ये बात प्रूव की क्वांटम रियल्म में टाइम
रियल वर्ल्ड से थोड़ा अलग वर्क करता है। और फिर इसी थ्योरी का यूज करके क्वांटम टनल्स के थ्रू अवेंजर्स ने की एक टाइम हाइस्ट, जिसके बाद वो ले आए पास्ट से जाके सभी इन्फिनिटी स्टोन्स। अब हल्क के स्नैप से सभी डस्टेड लोगों को वापस लाया गया और एक भारी भरकम क्लाइमैक्स बैटल में टोनी स्टार्क के स्नैप से थैनोस का किया गया खात्मा। अब फेज 3 में एमसीयू के इन्फिनिटी सागा के एंडिंग के बाद एमसीयू के फेज 4 में 18 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी एंटमैन फैमिली का कोई भी मेंबर पार्ट नहीं रहा है। लेकिन फिर भी एमसीयू के फेज 4 की कोई मूवी नहीं, एक डिज्नी प्लस शो है जो ना ही सिर्फ एंटमैन के थर्ड पार्ट बल्कि एमसीयू के द मल्टीवर्स सागा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया, और वो है 2021 का लोकी सीजन 1। अवेंजर्स एंडगेम की टाइम हाइस्ट के दौरान अवेंजर्स से हुई एक छोटी सी गलती से टेसरेक्ट हाथ लग गया लोकी के, जिसकी मदद से भाग निकल के लोकी ने क्रिएट की एक अल्टरनेट टाइमलाइन और उसे कैप्चर कर लिया टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के एजेंट्स ने। इस सर घुमा देने वाली 6 एपिसोड की सीरीज से हमें पता चला वेरिएंट सेक्रेट टाइमलाइन और टीवीए को चला रहे टाइम कीपर्स के बारे में। साथ ही में इंट्रोड्यूस किए गए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे कि जज रेंसलेयर, टीवीए के एजेंट्स मोबियस और हंटर B15, और सबसे इंपॉर्टेंट लोकी की एक लेडी वेरिएंट सिल्वी भी। काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन होने की वजह से इस सीरीज को शॉर्ट में कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकी सीरीज के एंड में ही हमें पता चला टाइम कीपर्स के पीछे का असली सच, जो कि था ही हू रिमेंस, एक कैंग वेरिएंट जो चला रहा था इस सेक्रेट टाइमलाइन को। और सीजन फिनाले में ही हू रिमेंस को मारा सिल्वी ने, जिसके बाद सेक्रेट टाइमलाइन ब्रेक हो गई कई मल्टीवर्सल टाइमलाइंस में, यानी कि वही जिसका डर था ही हू रिमेंस को, जिसके मल्टीपल वेरिएंट्स पास्ट में मल्टीवर्सल वॉर्स करके कई यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और एमसीयू के द मल्टीवर्सल सागा की एंडिंग भी उसी डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया में ही हू रिमेंस का फर्स्ट वेरिएंट कैंग द कॉन्करर बड़ी थ्रेट के रूप में दिख रहा है। कैंग की कहानी शुरू होती है 30th सेंचुरी के नथैनियल रिचर्ड से। अर्थ 6311 को बिलोंग करने वाला नथैनियल रिचर्ड टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके कई अलग अलग सुपर विलन्स के रूप में दिख चुका है। उसके वेरिएंट्स में पॉपुलर है आयरन लैड, स्कारलेट सेंचुरियन, रमाटट, इमॉर्टस और कैंग द कॉन्करर। विदाउट एनी सुपर पावर्स, कैंग की पावर्स डिपेंड करती है उसकी टेक्नोलॉजी पे, उसके एडवांस बैटल आर्मर, फ्लाइंग चेयर और कॉमिक्स में दिख चुकी उसकी स्पेसशिप डेमोकल्स बेस कैंग को एक काफी एडवांस सुपर विलन बनाते हैं। जहां एक तरफ इन्फिनिटी सागा का विलन थैनोस एक तरह से सही चीज करना चाहता था गलत तरीके से, कैंग इसके टोटली ऑपोजिट सिर्फ एक चीज चाहता है, जो है टाइम पे कंट्रोल, यानी कि वो सिर्फ एक यूनिवर्स को नहीं हर यूनिवर्स और हर टाइमलाइन को कॉन्कर करना चाहता है, और इसके लिए वो किसी भी लिमिट तक जा सकता है। मूवी के ट्रेलर से इतना क्लियर है कि क्वांटम मेनिया की सभी इवेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती दिखेगी जैनेट वैन डाइन, क्योंकि हिंट यही मिल रही है कि 30 साल जो उसने क्वांटम रियल्म में स्पेंड किए हैं उसमें वो कैंग द कॉन्करर से पहले भी मिल चुकी है। इस बारे में और डिटेल्स के लिए एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया का ट्रेलर ब्रेकडाउन जरूर चेकआउट कर लेना। और हाँ, अगर लोकी सीरीज देखने का टाइम नहीं है तो ये वाली प्लेलिस्ट भी देख लेना, जहां आपको लोकी सीरीज का कंप्लीट ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल्स भी मिलेंगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मूवी रिलीज होते ही मैं मूवी का ब्रेकडाउन और सभी हिडन डिटेल्स भी बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।